डॉक्टर स्वामी ने सुबह कहा था कि वो हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी से इस बात की मांग करेंगे कि एम्स और डॉक्टर सुधीर गुप्ता की जो रिपोर्ट बनी है उसको जो है उसका एनालिसिस करें, उस पर कार्रवाई करें कि ये सेलेक्टिव मीडिया लीक क्यों हुआ है। उसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। क्या है ये खबर, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पर आपको बताऊंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है, इस कंप्लेन को एक्नॉलेज किया है और कहा है कि ठीक है, जो उचित होगा उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। तो एक बात तो तय है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो मीडिया में सेलेक्टिव लीक किया, इसके अलावा जो उन्होंने 45 दिन में अपना यू टर्न मारा है, अब उस पर जांच होगी। खुद मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इस बात की जांच करेंगे। उनके पास ये कंप्लेन पहुंच गई है और इस कंप्लेन को उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है। इश्करण ने भी कहा था कि मैं डॉक्टर स्वामी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ के मेंबर हैं, वो इस बात की मांग करें कि ये पूरा का पूरा जो लीक हुआ है, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जिस तरीके से बयानों में यू टर्न दिया है, उसकी जांच की जाए। तो एक बड़ी खबर, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्टर हैं हेल्थ, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमें आपकी कंप्लेन मिल गई है, उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है और इस पर कार्यवाही की जाएगी, इस बात का भी आश्वासन दिया है। तो रिपब्लिक का दावा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, कंप्लेन मिल चुकी है, उन्होंने इस कंप्लेन को एक्नॉलेज भी कर लिया है। तो हो सकता है अब एम्स और डॉक्टर सुधीर गुप्ता से जवाब मांगे जाए, ये पूछा जाए कि ये रिपोर्ट जो है किस आधार पर तैयार की गई है, इसका आधार क्या था, आपने कुछ सिलेक्टिव मीडिया को इस तरह की लीक क्यों दी, क्योंकि अगर ये मैटर सबजुडाइज है तो किसी तरह का कोई भी लीक नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से हुआ है, आप सभी के सामने है। तो अब एम्स पर और एम्स के उन डॉक्टर पर, सुधीर गुप्ता पर कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि जो कंप्लेन थी वो जा चुकी है और उसका जो है एक्नॉलेज उन्होंने कर दिया है।